हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, NIV की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से निकल के आई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12 से अबव वाले क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी वाले जॉब मिल जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल को डाउनलोड करते हैं, उसका PDF जो भी दिया गया है और डिटेल में देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे दिखाई दे रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इसका हेड ऑफिस यहाँ पे पुणे पे है, पुणे से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। लिंक हो जाता है NIV.co.in। इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। रेगुलर पोस्ट वैकेंसी यहाँ से मिल जाएगा, टेम्पररी वाला प्रोजेक्ट वाला जो वैकेंसी है यहाँ से मिल जाएगा सेकंड वाले पे। तो ये जो रिक्वायरमेंट निकाल के आई है टेम्पररी के लिए है, कोई परमानेंट नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो उसका एक न्यू टैब, न्यू उसका पेज ओपन होके आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वर्क इन इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट दिखाई दे रहा है, इसी में हम लोग का डेट भी दिया गया है, स्टार्ट डेट 29/11 और लास्ट डेट दिया गया है इंड डेट 20/12। PDF पे हम लोग क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाता है इस तरह से। और यहाँ को थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखते हैं, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दिया गया है, पुणे का एड्रेस है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर दिया गया है, वॉल्क इन इंटरव्यू / रिटर्न टेस्ट दिया गया है, हो सकता है रिटर्न टेस्ट भी, क्योंकि यहाँ पे / में दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। ये किस तरह से पोस्ट है, क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया है इकोनॉमिक एवोल्यूशन स्पेशलिस्ट, इसके लिए 80,000 सैलरी है, एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी 54,000 इसका सैलरी प्लस HR दिया गया है, एक वैकेंसी इसमें भी है। सबके जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं एक एक वैकेंसी है यहाँ तक। ये तीन वैकेंसी जो दिया गया है प्रोजेक्ट जूनियर के लिए दिया गया है, रिसर्च फेलो के लिए 25,000 प्लस HR इसका सैलरी आ जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, ये सब सारे प्रोजेक्ट का नाम, ये जो हेल्थ टेक्नोलॉजी दिया गया है इसी में ये भी है सेम एज अब दिया गया है, और ये सब सब अलग अलग प्रोजेक्ट में दिया गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू या टेस्ट जो होगा, राइट साइड में डेट दिया गया है 20 दिसंबर, चार पहले वाले, उसके बाद फिर 18 दिसंबर, ये डेट हो जाते हैं इंटरव्यू के। लेफ्ट साइड में पोस्ट, सैलरी और यहाँ पे कितने वैकेंसी हैं वो चीज़ दिया गया है, प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, उसके बाद इंटरव्यू डेट दिया गया है। बहुत सारे वैकेंसी निकल के आई है, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, लास्ट हम लोग का देखते हैं 11वां नंबर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 12 पास इन साइंस में होना चाहिए, अगर आप लोग कंप्लीट किए हैं तो। 2 ईयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में अगर कंप्लीट किए हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सब भी दिया गया है। और इसमें डिसिप्लिन वगैरह यहाँ पे डिटेल दिया गया है, 30 इसका एज लिमिट है, 18,000 इसका सैलरी हो जाता है। कहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा वो दिया गया है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू / रिटर्न टेस्ट दोनों हो सकता है वो चीज़ दिया गया है। ये पुणे का अंबेडकर रोड में एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में यहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे दिया गया है, उसके बाद अगर आते हैं तो आपको अंदर नहीं जाना दिया गया, एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें एक बार ज़रूर पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ के बताना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करें और अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करने के लिए सोचें, यानी कि इसमें अटेंड होने के लिए सोचें। कुछ कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, 22 नंबर देखिए कि क्या क्या करना होगा, क्या लाना होगा। सी हर यानी कि लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए दोनों के लिए दिया गया है, कलर फोटोग्राफ वगैरह, बायोडाटा, CV, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा वाला लाना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेंट स्टैंडर्ड और हायर क्वालिफिकेशन जो भी है वो सब सब कुछ लेके आना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बहुत दिया गया है, जो एक बार देख लीजिए, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट के साथ में इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ये एक उसका बायोडाटा का फॉर्मेट दिया गया है जिसको प्रिंट आउट निकाल के अच्छी तरह से फिलअप करना पड़ेगा और साथ में लेके आना पड़ेगा। तो यही रिक्वायरमेंट निकाल के आई है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन / रिटर्न टेस्ट भी दिया गया है। लेकिन रिटर्न टेस्ट अगर होगा भी तो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा
टेस्ट के आधार से थोड़ा मोड़ा होगा उसी दिन, और आप लोग अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि ये टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोजेक्ट दे दिया गया है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा और ये टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।